आगेवानो कार्यकर्ताओ द्वारा स्वागत भावनगर शहर सिदसर खाते केन्द्रवती शाला की मुलाकात ली। प्राथमिक शाला की स्थिति ने लेने मुलाकात ली थी, जेमा शाला ना बालकों ने साथ वार्तालाप कर। मैं सर जी गुजरात में आया, गुजरात के स्कूल देखने के लिए आया कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कैसे स्कूल बनाए, तो मुझे लगा कि शिक्षा मंत्री के अपने शहर से बेहतर जगह क्या हो सकती है गुजरात के स्कूल देखने के लिए, इसलिए मैं इतनी दूर चल के भावनगर पहुंचा। पर यहां आके पता चला कि भावनगर के स्कूल एकदम टूटे फूटे सड़ा के रखे हुए हैं शिक्षा मंत्री जी ने। पता नहीं उनको कभी मौका मिला है कि नहीं मिला अपने स्कूलों में घूमने का। अगर वो इन स्कूलों में घूम जाएं, अभी जिस स्कूल में मैं बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, ये भावनगर का स्कूल है, शिक्षा मंत्री जी इसी शहर से हैं, अगर वो खुद इस स्कूल में घूम जाएं तो रात को नींद नहीं आएगी ऐसे सड़े हुए स्कूल देख के। ये स्कूल का एक कमरा ऐसा नहीं है जहाँ मोटे मोटे मकड़ी के खूब सारे जाले न लगे हों। वॉशरूम अगर मिल जाए, टॉयलेट मिल जाए, 7-7 घंटे के लिए टीचर्स आते हैं, महिलाएँ टीचर्स आती हैं, आप 7 घंटे टीचर को इतने सड़े हुए स्कूल में रखते हो जहाँ एक टॉयलेट तक नहीं है, पीने का पानी नहीं है, 7 घंटे छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को बुलाते हो जहाँ एक पीने का पानी टॉयलेट तक नहीं है, इतने सड़े हुए स्कूलों में मकड़ी के जाले, बीमारी के बीमार होने के लिए बुला रहे हो या पढ़ाने के लिए बुला रहे हो। मैंने यहाँ पे आके कुछ स्कूल देखे और मुझे बहुत दुख हुआ कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में पेरेंट्स के साथ मजाक किया है स्कूल बनवाने के नाम पर, स्कूल देने के नाम पर। कहीं कोई एक पत्थर लगा दिया, कहीं किसी कमरे में एक स्मार्ट बोर्ड टांग दिया, लेकिन पूरे स्कूल देखो ना, कौन आदमी यहाँ अपने बच्चों को भेजना चाहेगा इस तरह के स्कूलों में। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है गुजरात की जनता के लिए भी। जब शिक्षा मंत्री जी के सामने ये सवाल आया कि गुजरात के स्कूल सड़े हुए क्यों हैं, ख़राब क्यों हैं, तो उन्होंने कहा कि गुजरात के स्कूल हमने जितने करने थे ठीक कर दिए, इससे अच्छे जिसको स्कूल चाहिए वो दिल्ली चला जाए। तो अब गुजरात के लोग दिल्ली में जिसने स्कूल किए हैं उसी को गुजरात बुलाएंगे। आप देखिए सर, आप सिर्फ भावनगर में 2 स्कूल देखकर पूरे गुजरात के स्कूल खराब है ऐसा अनुमान कर सकते हैं? ये तो सैंपल है, फिर यही क्यों, ये इतना सड़ा हुआ क्यों है? दूसरा स्कूल गया वहाँ भी सारे में जाले लगे हुए, उनको पता चल गया मैं आ रहा हूँ तो एक स्मार्ट बोर्ड टांग दिया, थोड़ा पोछा लगाने की कोशिश की वहाँ भी। तो मैं तो शिक्षा मंत्री जी के इलाके में आया हूँ, शिक्षा मंत्री जी के इलाके में तो एक एक स्कूल चमकते हुए हो सकता था और उनको पता था 2 दिन बाद हो रहा है। तो यहाँ इतने बुरी हालत है, वो बता दें फिर कहाँ कहाँ उनके स्कूल अच्छे हैं, मैं वहाँ भी चला जाऊँगा देखने के लिए। सर,